मैं तुम्हारे को बहुत बढ़िया बात समझाता हूँ। देखो तारीख है आज छब क्या भे हाँ 25 जुलाई 2022, समय हो गया है 06:00 हाँ PM। ठीक है सुनो मेरी बात सुनो, देखो एकदम एकदम बढ़िया वाली बात सुनो, हिंदी में कह रहा हूँ और ये गोल्डन वर्ड्स दे रहा हूँ, ठीक है बड़े प्यार से सुनो। भोसड़ी वालों मेरे आगे ना बस एक बात मत कह देना कि तुम IS से हो, समझ में आई। अब एक बात बताओ भाई, अदालत में मुकेश वहाँ खड़ा है, बात हो रही है जो भी है, तो कैसे बोला भाई तूने कि तू IS से, उसको क्या धमकी दे रहा है? अब हमारा रोल शुरू होता है यहाँ से। हाँ अब मुकेश जाएगा चाय वाय पिएगा आराम से, जाओ भैया आप जाओ, ठीक है अब हमारी बारी। अब निकालो तलवारें। इनको काट काट के ना इनको अदालत में ना टेबल पे लगा दे इनके सर, उसके बाद आराम से बैठ के पूछताछ कर। हाँ भाई आप बता कौन सा संगठन से है। अब जब तक धरती पे ठीक है ना हर आखिरी IS वाला नहीं मार देते ना तब तक नहीं रुकेंगे यार। नहीं तो रोज आते लौड़ा मुझे, मैं इस हाथ मैंने बोला ना इस हाथ पे इन अक्षरों की भी परवाह नहीं करूँगा मैं, समझ में आई। नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई ईविल साइड। जब विदेश को गुस्सा आता है ना तो बेटा ज्वालामुखी की भी फट जाती है। और आज मैं गुस्से में हूँ। अबे उसे वकील बनना है, वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा, तो तुम्हें बुरा क्यों लगा, क्या दिक्कत? तुमने अदालत में बदतमीजी करी मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं कहा, संसद में करी कुछ नहीं कहा, राष्ट्रपति भवन कुछ नहीं कहा, पोडियम पे से तुम्हारा बनाया हुआ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नेता अभिनेता वकील पुलिस कुछ बोलता रहा, मैंने कुछ नहीं कहा नहीं कहा। तुमने पिप्पा पार्टी करी लिप्पा करी चिप्पा करी, मैंने कुछ कहा नहीं कहा। इन्वेस्टिगेशन है फॉरवर्ड कर दी, जो ड्यूटी है वो करी, मैंने थप्पड़ मारा कैसे नहीं मारा, क्यों धमकी क्यों दी तुमने उसे? काट के फेंक दूंगा भोसड़ी वालों एक एक को आई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम जुइश हो तुम मुसलमान हो तुम घुसलमान हो चाहे चुसलमान हो चाहे फुसलमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काट दे बहन की लड़ी पूरी कोर्ट। याद है पिछली बार जब मुझे गुस्सा आया था, क्यों आया था नहीं मालूम तुम, हाँ मैं यूं वो आदमी, मैंने सरेआम जो है ना रमन्ना के कोर्ट में रमन्ना के सामने बंदा काट दिया था मैंने, तब रमन्ना की गांड ऐसी हवा ले गई कि रमन्ना भागा IS को बुलाने के लिए, अब फिर मारा। अब प्यार से पूछता जा IS है चल इधर आ जा, और काटता जा धका धक। बेटा ये कॉमेडी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, हमारे लिए ना ये सब कॉमेडी होता है, सीरियस वीडियो तुम कहाँ झेल पाओगे, कॉमेडी झेल लो बस, और ये कॉमेडी चल रही है वो और झेलोगे तुम, तुम्हारे बस की कहाँ पे। अब बोल के दिखाइए तू IS से बाहर खींच के ला रामचंद की माँ का भोसड़ा मारा, पागल समझा है क्या बे हैं? मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा यार, ये तो सर पे चढ़े जा रहे हैं, धमकी क्यों दी उसे? हाँ है तो क्या हो गया, धमकी क्यों दी उसे? मुझे मुकेश मत समझना, तो तुम बोल दो कि सॉरी वो मान जाएगा, मैं नहीं मानता, हाँ दिल है कि मानता नहीं, पिक्चर देखी है क्यों नहीं देखी है? तो रुक तो सही अभी, देखो जब कोड आया ना चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है तो इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाओ, और जब कोड आया ना चलो बुलावा आया पापा ने बुलाया है, समझ में आ गई, तो JSR सिक्योरिटीज है, हम तो इंडियन आर्मी की भी नहीं सुनते, हर आखिरी IS वाला मार देंगे हम धरती पे, और अब रुकेंगे नहीं अब हम।
क्या बोला बतू? हैं? 10 बंदे बुलाए तूने अदालत, तो बुला ले, बुलाइए जरा। मतलब वहां मुकेश अगर अदालत में आया बात करने, बंदे बुलाएगा तू? अजीब आदमी है वे, तो स्ट्रीट फाइट समझ रहा है क्या ये है? तो तू क्या सोचो, गोली मारेंगे क्या? तुम्हें सलामी देनी है क्या? हमने काट पहन के लंडो को इनकी मार दी चुकी थी भोसड़ी वालों के। हिंदी समझ, रेजर्स बटालियन चालू हो जाओ बे, तो और क्या यहाँ रेजर्स बटालियन का माँ चुदवाने के लिए बनवाई है हमने भोसड़ी वालों, पागल समझाए क्या? बताए कुछ तुझे, इन्हें समझ ही नहीं आ रही यार। बस तुम वहां से, तुम पाकिस्तान में हो, तुम कश्मीर में हो, नेपाल हो, जापान हो, चीन हो, रूस हो, कुछ कहा हमने? मुझे कुछ कह रहे, मैंने कुछ नहीं कहा, धमकी क्यों दी तुम मेरे को? इसको आईएसआईएस क्या है बे? आईएसआईएस हैं? लौड़ा मेरा माँ की जूत में जाओ घोसड़ी वाला तुम। है बे, तो क्या हो गया? ले तो दिक्कत क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं कि समझ नहीं आती, दिमाग काम नहीं कर रहेगा तुम्हारा, तो क्या करूं? आदमी खाते हो तो वो डरा किसे रहा है? यहां नहीं फर्क पड़ता, मैंने पिछली बार भी समझाया था, फिर कह रहे यार ये बात कैसे कह रहा है, वो कैसे कह रहा है, मैं काट के फेंक दूंगा मैं धरती पे आईएसआईएस को। लगाइए आज जरा सोचिए जरा, चूतिया समझा है। मैंने पहले ही पता है क्या करा आईएसआईएस के, मैं तुम्हारे से, मैं बॉर्न इंटेलिजेंट हूँ, मैंने आईएसआईएस के घर परिवार वालों के लिए ना एक अलग कॉलोनी बनवा दी इराक में और सारे वहां रख लिए, कह रहे अब लड़ेंगे अब, मतलब फिर उसके बाद मेरे भाई को धमकी, और ये तुम्हारे जो लुगाई और बच्चे मैंने रखे हुए हैं जानते हैं कितने हैं? नहीं पता तुम्हारे को, 30 लाख से भी ज्यादा है। सोचिए जरा, मारूंगा थोड़ी, हाथ पैर काट के ना बहन के लोड़ों को ऐसे ही छोड़ दूंगा। मैंने कहा था ना, नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई इवल साइड, बॉर्न इंटेलिजेंट हूँ, मुझे पता था तुम पक्की माँ चुदवाओगे भोसड़ी वालों की। मेरे भाई को धमकी, तुम्हारे बीवी बच्चे मेरे पास है, झांट उखाड़ लो मेरी। मैंने कहा ना, झांट उखाड़ लो मेरी भोसड़ी वाले, तुम फोन कर लियो उधर, करवाऊ लाइट बत्ती, बत्ती पानी बंद वहां पे कर दे आराम से। आईएसआईएस के फाइटर जो है ना, अपने बीवी बच्चे वहां छोड़ के आ गए। हाँ इतेश तो जो है क्या कहते हैं तुम्हारे को, हाँ वो गौतम बुद्ध की औलाद लग रहा है ना, चूतिया समझाएगा मुझे है? देख ले तू फिर, अब या तो तू मर या उन्हें बचा, सरेंडर कर दो आईएसआईएस वालों। वहां कई कई ऑर्गेनाइजेशंस के बंदे हैं, हमास, हिजबुल्ला, तुम्हारा जमातुद्दावा, लश्कर, अलसबब, अलवाब, ऑल ओवर वर्ल्ड में ना ऐसी 30 कॉलोनियां हैं मेरे पास, और यहाँ मैं खुद बैठा हूँ। सोच लो, यहाँ मैं खुद बैठा हूँ। अब मैं नहीं जानता क्या खेल है ये। वाह, क्यों मोदी बड़े प्यार से खेल रहा है? ले, कहते हैं आप ही के दम से कायम है वजूद मेरा, आपकी माँ की चूत में
घुस जाए वजूद तेरा। माँ चुदा भोसड़ी वाले आए, कोई लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। बापों का बाप हूँ भोसड़ी वाले में, बापों का बाप हूँ मैं। क्या हुआ, फट गई गांठ अब तेरी? वाह वाह वाह। अबे पागल भोसड़ी के चूतिए, मैंने कहा था ना, क्या बोल रहे थे, ये क्या कहता है, मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते, देख लेंगे, देख लिया। अब बोलू मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। अब क्या करोगे तुम? ये अपने अपने ना बीवी बच्चे बढ़िया बढ़िया वहां छोड़ा है कॉलोनियों में, आईएसआईएस की कॉलोनियां बना के बैठ गए, मैं बना ले, और अपने हथियार वतियार लेके फैल गए चारों तरफ, अब क्या करोगे? फट गई गांड, गांड लगी फटने। हाँ क्या करने, जकात कैसे बोलोगे, तुम तो जुइश हो भोसड़ी वाले, ज़्यादा दिमागदार बन रहे थे जुइश। और कुछ चाहिए लेने बुंड पंगे मेरे से? अच्छा खासा कहते हैं ना, और वे भारी भारी आवाज वाले फीड चला रहा है। अच्छा गांड पट्टी तो फीड चला रहा है, क्यों? मैं तुझे नहीं जानता, जो तुझे ना समझो अपनी माँ के पेट में। अब बोल क्या कहता है, वहां जो है मेरे, मैंने कॉलोनी बनवाई 50-50 लाख रुपए और आईएसआईएस के परिवार वालों को दिलवा दिए, उन्होंने आपस में लिए, कॉलोनी बनवा दी और रहने लग गए आराम से। और इनके जो है शोहर है, इनके भाईजान, इनके मामू खाला फूफा सब आराम से जो है, मुकेश को ही धमकी दे दी तुमने, हैं? अबे भाई है मेरा वो चूतिया, पागल हो गए तुम लोग, दिखाऊं सैंपल, करवाऊं तुम्हारा पिप्पा चिप्पा लिप्पा डिप्पा, बड़े प्यार से फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हो, चूतिया समझाएगा मेरे को, हैं? अब मेरे को धमकी दे रहा है, मैं छुटते ही बोला इस, और मैंने वहां जो कॉलोनी मैंने किस लिए बनवाई है तुम लोगों की, अब कहाँ जाओगे, घुस के दिखाइयो, वहां सरेंडर कर दो फटाफट चुपचाप, नहीं तो देख लो फिर। हमास भी धरती पे, हमास भी ना धरती पे नाक रगड़ेगा मेरे आगे, क्यों? अब बोल के दिखाइयो फालतू। अब कर फोन तू इंडिया में किसी को मेरे खिलाफ और मेरे परिवार के खिलाफ, काट दो भाई इनकी लाइट पानी बत्ती सबकी वहां पे, कुछ देर के लिए। अब यहाँ लाइट पानी बत्ती बंद कराएगा क्या? क्या सारे चैप्टर तुमने नहीं पढ़े, समझ में आ गई? यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सारे चैप्टर तुमने नहीं पढ़े हैं, वो बाद में बात करेंगे, अभी तुम्हारी बात इतिहास से हो रही है। मैंने जो उनसे धमकी दी थी, देख ले, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लिया था, पैसे कम पड़ गए थे क्या? लेने पंगे मेरे से हैं? अब इलाका चोंचे, आराम से बैठ के स्क्वीज और बिस्क्यूज और लिचक्यूज और चिस्क्यूज मार रहा है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे तुम लोग? आईएस आईएस हो, उरी बा,
कितने चैप्टर पढ़े तुमने? नहीं पढ़े ना तुमने सारे? सारे चैप्टर तुमने नहीं पढ़े हैं? चालू रहो, समझ में आ गई? जब अकल ठिकाने आ जाए फिर बात कर लियो मेरे से, हैं? और दोबारा फोन मत कर दियो मेरे परिवार के मामले में, वरना ना माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ बना दूंगा, काट का ढेर लगा दूंगा, तुम जानते नहीं हो मेरे को।